एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है जी आप जी तक? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। दैट्स बेटर। ग्रेट। ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट। ओके जी। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, एंड आई होप प्रिंसिपल सर विल बी जॉइनिंग अस वेरी वेरी सून। सो मैं आज के रिसोर्स पर्सन सिद्धार्थ जसविंदर सिंह जी, जो के प्रेजेंटली लेक्चरर इन फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कल्याण पटियाला दे विच जॉब कर रहे हैं। सर दे लई बहुत थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन करना कि उन्होंने जो भी अज तक के अचीवमेंट्स हैं पॉसिबल नहीं है। सर नैशनल अवॉर्डी हैं, शिक्षा रतन अवॉर्ड भी उन्होंने प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी ने उन्होंने अवॉर्ड प्रदान किया। सो बेसिकली सर फाउंडर है जैसमिन्स लैब ऑन व्हील्स। सो सर बहुत समा ना लेंदे हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट, वट एवर द स्टूडेंट्स कैन हैव द बेनिफिट फ्रॉम यू। सो बड़े लकी हैं स्टूडेंट्स जेडे के तोड़े तो इतना सारा ज्ञान सानू स्टूडेंट्स नू फैकल्टी मेंबर्स नू सी बहुत कुछ सीखन लिए थे। हाँ सो वेलकम सर वंस अगेन। थैंक यू प्लीज सारे नू सत श्री अकाल। हूँ मैं इतने देख रहा कि मेरी आवाज़ थानू सारे नू सुन रही होगी, तो मेरी जो स्क्रीन के उत्ते फोटो है वो आ रही होगी थोड़े को। दिस इज साइंस नथिंग एल्स विद द हेल्प ऑफ साइंस इन दिस पैनडेमिक कंडीशनस असी दूसरे के नाल जुड़ रहे हैं और घर बैठे ही जेडे है आप ऑनलाइन टीचिंग जी है उसमें कर रहे हैं। तो सब तो पहले तो मैं स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला के प्रिंसीपल डॉक्टर परमिंदर सिंह जी का धन्यवाद करदा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिता कि घर बैठे बच्चों जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि उन्होंने ये ना महसूस हो भी असी कि कुछ सीखने तो वांझा रह गए हैं। तो टाइम टू टाइम ये जिहड़े लैक्चर सीरीज इन्होंने शुरू की है उस दे विच तुहानू बहुत सारे बेनीफिट्स मिलणगे। मैं धन्यवादी हाँ योगिता मैम का कि जिहड़े पहला भी मैं इस तरह दी अपॉर्चुनिटीज़ जिहड़ियां हैगियां प्रोवाइड करते रहने। कॉलेज दे विच मैं कई बार आया, सरदार बीरदेव सिंह जी सीगे उस वेले ते हुण भी शायद उत्थे ही आ उह, ते कई बार मौका बनिया कि इन्हां स्टूडेंट्स दे रूबरू होईए टीचर्स दे नाल गलबात करिए क्योंकि मैं कुछ सिखाण नहीं आया करता, मैं खुद सीखण आया करता। एक टीचर है जिहड़ा उह सारी उम्र सीखता रहिंदा, इको एक शख्सियत ऐसी है जिहड़ी कि हर वेले ये चाहती है कि मैं अज कुछ नवं लैके जावां अपनी क्लास दे विच, मेरे बच्चे बोर ना हो जाण, मेरे बच्चे नूं ये लगे कि अज टीचर दोबारा आया ना अज कुछ नवं लैके आया होगा। तां ये टीचर ही कर सकता सारा कुछ। तां टीचर हर रोज़ अपना लैसन जिहड़ा है प्लान करता है, उसकी प्रैपरेशन करता है कि मैं किस तरह करना है, किवें करूँगा, की दसूँगा, किवें शुरू होगा, किवें खत्म होगा, कितना टाइम मिलेगा, मतलब सारा जो थानू बी एड दे विच ट्रेनिंग दी जाती है ये ट्रेनिंग होंदी है कि तुसी एक बहुत ही अच्छे ढंग दे नाल सारा कुछ सीख के अपने जो नेशन है उसनू होर स्ट्रोंग कर सको। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀ ਐਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀ ਐਡ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ,
उसनू हर चीज़ है जिहड़ी विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए हमेशा सच्चाई का सहारा लेना पैंदा और आप उहदा जिहड़ा सच्चा सुच्चा रहना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जो कुछ वो बाहरों होगा उही कुछ वो अंदरों होगा ता जाके कितने टीचर का बच्चों के उत्ते इंप्रैशन बनना है नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं तो एक नाटक की तरह हो जाया करता है कि अंदर वो चीज़ नहीं होंगी लेकिन उसनों बाहर कढ़ रहा होंगे नहीं इस तरह का नहीं चाहिए टीचर टीचर किस तरह का चाहिए कि जो कुछ वो अंदर है वो सारे का सारा कुछ हूब हू उस तरह का बाहर आ जाए तो अपने जिहड़े स्टूडेंट्स हैं जिहड़े उसके कोल पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग लै रहे हैं तो उन्होंने उस टीचर की झलक नज़र आवे झलक किस तरह की नज़र आ सकती है वो परसनैलिटी डिवेलपमेंट में देख के आ सकती है वो हैंडराइटिंग देख के आ सकती है उसके बोलन के ढंग में देख के आ सकती है उसके पढ़ाने के ढंग में देख के आ सकती है उसका आचार विहार देख के आ सकती है तो मतलब उस टीचर के कुछ टीचर को इन्ना कुछ है कि वह विद्यार्थियों मतलब भी बहुत सारा कुछ सहज ही बस सामने खड़ा होकर दे सकता तो एक टीचर एक ऐसी परसनैलिटी है तो सब तो पहला तो उन्हां अध्यापकों नूं सलाम है मेरे वल्लों जिन्हां अध्यापकों ने साडियां उंगलियां नूं पकड़िया ते सानूं अज इन्हां कुर्सियां ते बिठाया ते सानूं इस दे काबिल कीता है कि असीं अज तुहाडे नाल गल कर सकते हैं हो सकता है जे उन्हां टीचर्स ने सानूं इस तरह की ट्रेनिंग ना दित्ती हुंदी तां अज शायद तुहाडे रूबरू होण दा मौका ना मिलता यह सब उन्हां दी देन है उन्हां अध्यापकों की देन है कि उन्होंने सानू इन्ना काबिल करता कि हाँ जिथे तुसी खड़ जाओगे उत्थे जो कुछ तुहाडे अंदर होगा वो जदों तुसी बोलोगे तो जरूर कोई ना कोई उसनू सुनूंगा तो ये मेरा नमस्कार है सब तो पहला तो उन्होंने अध्यापकों ते जिन्ना अध्यापकों ने सानू ऐसी ट्रेनिंग दिती सानू ऐसा पढ़ाया तो सानू इस दे योग बनाया तो उन्होंने पहला मैं धन्यवादी हाँ अपने माता पिता का जिन्होंने संस्कार दिते और जिहड़े ऐसे अध्यापकों खोज के उन्होंने अध्यापकों के कोल सानू छड़ के आए तो ये जिहड़ा सारा कुछ है इसके पिछे एक बहुत वड्डी फोर्स कम कर रही है तो फोर्स की है कोई उसनू नेचर कह रहा कोई उसनू रब कह रहा कोई रब के अगे उन्हें मतलब कई पार्टीशन कर लिया कोई राम है कोई अल्लाह है कोई खुदा है कोई मतलब ये सारिया चीज़ा जीडिया है जे असी दिमाग के नाल सोचन बैठीए तो सानू इस तरह लगता है भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हुई होगी ना किसी ने तो की होगी ना प्लानिंग कि आ चीज़ इस तरह की होगी अपने आप तो कोई चीज़ जी है वो इस तरह की नहीं बन सकती पिछे उसते कुछ ना कुछ ड्राइंग डिजाइनिंग वर्किंग प्रिंसीपल कुछ ना कुछ तो है मेरा यह मानना है हो सकता है कोई मेरी गलों ना सहमत हो गए दैट इज़ अ डिफरेंट इशू लेकिन जो मैं समझ आई है मैं थोड़े नाल शेयर कर ता उन्ना दे करके साढ़े को माता पिता दे करके अध्यापक अध्यापकों दे करके असी साढ़े करके हूँ साढ़े विद्यार्थी पढ़न ते साढ़े विद्यार्थी फिर साढ़िया कुर्सियां लैन ते उन्ना दे बैठ के आप जेड़े है वह अजिहे कारनामे करन जिस दे नाल साड़ी सोसाइटी दे विच और साढ़े देश दे विच जिथे उन्हां दा नाम उच्चा होवे उत्थे सारी ही सोसाइटी ते देश दा नाम उच्चा होवे कौम दा नाम उच्चा होवे कि हाँ असी जे कुछ सिखिया सानू सिखाया गया तो उस तो वध असी देण दे लई तत्पर हाँ तैयार हाँ हर वेले भावना रखो एक नैगटिविटी नूं खत्म कर दो बिल्कुल भी हमेशा थॉट्स हैं जिहड़े वह पॉजिटिव रखो अज तक यही जा रहा सारिआं नूं कि थॉट्स पॉजिटिव रखो पॉजिटिव रखो पॉजिटिव रखो लेकिन इसके पिछे एक बड़े वड्डे वड्डे सिद्धांत हैं जिहड़े साइंस दे हैं चाहे वह मैथमैटिक्स दे हैं वो अज आप तुहाडे नाल शेयर करांगे तो मैं धन्यवाद करदा पूरी स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला की पूरी टीम का योगता मैडम का प्रिंसीपल डॉक्टर परमिंदर सिंह जी का सारे अध्यापक साहबान का तो सारे ही अध्यापक बनन जा रहे जिहड़े इस टाइम विद्यार्थी हैं उन्हां दा मैं धन्यवाद करदा कि यू हैव प्रोवाइडेड मी दिस ग्रेट ऑपरचुनिटी टू इंटरैक्ट विद योर सैल्फ सो दिस इज अ ग्रेट ऑपरचुनिटी फॉर मी बिकॉज आई एम ऑफ द फर्म ओपीनियन दैट वीक मैन वेट फॉर ऑपरचुनिटीज बट स्ट्रोंग मैन क्रिएट दैम तो आप ऑपरचुनिटीज़ नू फायदे दे वल लेके जाइए और उसनू उसारू ढंग दे नाल यूज़ करिए ते आपा बेनीफिट लै सकते आप अज गल करते हैं शुरू कि
मनुखी शख्सियत के जिहड़े घाड़े हैं वो कौन कौन है? माता पिता, अध्यापक, उसके साथी जिहड़े उसके नाल विचरते हैं, जिन्हों असी पीयर ग्रुप का नाम दिता हुआ अच्कल, तो होर जिहड़े समाज है जिहड़ा साडा, ये उहदी शख्सियत नूं घड़दे हैं। तो उसकी शख्सियत को घड़न के लिए जिथे ये चार चीज़ों की लोड़ है उत्थे जो संसार तो जाना फिर चार चीज़ों की लोड़ है, चार जने ने फिर चक के लै जाना। फिर उत्थे की है कि असी जो पढ़ाई करते हैं तो जो साड़ियाँ बुक्स के लिखा हुआ है तो उसनू असी मैच करते हैं, प्रैक्टिकल दे नाल मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ सानू पढ़ाया जाता कि वह सच्चाई भी है उस दे विच, जो साढ़े विज्ञानी दस गए, जो साढ़े गणित शास्त्री दस गए, वो कि सच्चाई है तो किस तरह है वो चीज़ा। उन्हों की ऑथेंटिसिटी फाइंडिंग लैन के लिए असी एक एग्जाम्पल लें इतने कि इंग्लिश दे विच कोई भी तुसी वर्ड बोलो इंग्लिश का, तो योग्यता मैडम नूं मैं कहूँगा भी कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड बोल दें, जी योग्यता मैम मेरी आवाज सुन रहे हो? नहीं सुन रहे तो हाँ जी सर। हाँ जी, कोई भी इंग्लिश का इट कैन बी, हाँ जी, एडवाइस, एडवाइस, ए डी बी आई सी ई, सी एडवाइस। तो आई होप सो के बोर्ड क्लियर होगा तुम सारे, इज इट ओके? यस सर। ओके, हाँ जी, एडवाइस। ता इस दे विच असी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 किन्ने अल्फाबेट्स हैं? 6 6 अल्फाबेट्स आर देयर, राइट डाउन 6। नाउ हुन इस दे अल्फाबेट्स काउंट करो 1 2 3 किन्ने हैं? 3। हुन इस दे काउंट करो 5। हुन इस दे काउंट करो 4, राइट? ता असी 4 दे काउंट करांगे ता फिर 4 आ जाणगे साडे। ता इसका मतलब we have started from here and we have reached at 4। ता कोई भी वर्ड है जेड़ा तुसी बोलोगे मेरे को, अल्फाबेट्स का बनया हुआ है, तो वो वर्ड नू जदों असी एंडिंग पॉइंट ते लेके आवांगे विद दिस मेथड ता तुसी 4 ते जाके खत्म होगा। एक होर ट्राई कर लैने आपां, उस तो बाद अगर डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, एनी स्टूडेंट इफ ही और शी इज अलाउड, नहीं तो जो कि यस प्लीज स्टूडेंट, स्टूडेंट स्पीक अप सम वर्ड बेटा। मनीषा, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, वेरी गुड, स्टूडेंट बोलो एक्सपीरियंस। काउंट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, again 3, again 5, again 4, so it will end at 4. Every word of the English language, either your name or any meaningful word, that will end at 4. तुसी ये खुद कोशिश करके देखना, और कोई प्रॉब्लम आई तो यू कैन आस्क मी। हर एक चीज 4 ते खत्म होएगी, 4 नंबर तो अगे कुछ भी नहीं चलता है, तो देयरफॉर दिस 4 नंबर, 4 नंबर नु कहा गया इट इज अ ब्लैक होल नंबर, इट इज अ ब्लैक होल नंबर, के इत्थे जाके सारा कुछ खत्म हो जाता है। बस तुसी सारे ने ब्लैक होल बारे पढ़िया हुआ है, मैं उसकी डिस्कशन च नहीं जाऊंगा। तो दिस इज ब्लैक होल नंबर, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कुछ ट्राई कर रहे होंगे भी कुछ लभ जाए, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा होंगे ना स्टूडेंट्स का जोड़ा ध्यान है खिंचन के लिए टीचर उन्होंने क्वेश्चन दिता, तो टीचर का ध्यान जोड़ा है उसनों खिंचन के लिए स्टूडेंट क्वेश्चन लभद हैं। बस जिस टीचर की क्लास के स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग करते हैं वो टीचर वाकई ही पढ़ा रहा होंगे। बस रिमेंबर दिस थिंग, एक तो मैं पॉइंट दसिया, राइट? तो 4 इज अ ब्लैक होल नंबर, तो यह तुसी होर तुसी जेड़ा हैगा इसनू कर सकते हो अपने हिसाब दे नाल, होर नंबर्स देख सकते हो।
तो एक तो ये चीज असी आज डिस्कस कीती। हुन मैं नेक्स्ट थोड़े नाल डिस्कस करना चाहांगा कि एक के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता स्टूडेंट्स नूं जदों फॉर्म वगैरह फिल करते हैं कि तुहाडी एज है जिहड़ी वो किन्ने साल किन्ने महीने ते किन्ने दिन दी हो गई है। अक्सर स्टूडेंट्स नूं ते वड्डियां नूं ये बड़ी प्रॉब्लम बनती है कि सर असी इदा तो दस सकते हैं मैं 20 साल का हो गया, मैं 21 साल का हो गया, मैं 24 साल का हो गया, मैं 15 साल का, लेकिन इस तरह दसना भी मैं 15 साल 4 महीने 7 दिन का हो गया, ये पढ़िया तो सीगा कितने पर याद नहीं सर। ठीक है,